ये फूलों से मासूम बच्चे इस गंदी नाली में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, और ये है वो खेत जहां गरीबी की कोख से ऐसे लाखों मासूम जन्म लेते हैं और आखिरकार भूख और बेकारी का जहर उन मासूमों को गुनहगार बनाकर छोड़ देता है। ये कहानी एक ऐसे ही मासूम की है जिसका नाम है मंगल। आज तू जल्दी कैसे आ गया रे? वो क्या हुआ? स्कूल से नाम कट गया। नाम कट गया? पर तू फिक्र मत कर, पढ़ लिख के नौकरी तो कर रही थी, वो माँ ने ढूंढ ली है और डॉक्टर साहब ने भी कहा है तेरी माँ को वो दवाई की नहीं रोटी की जरूरत है, और तू पेट भर के रोटी खाएगी ना तो एकदम अच्छी हो जाएगी, है ना माँ? जा बेटे, तेरे लिए रोटी रखी है, खा ले। अच्छा माँ। हाँ बेटे, खा ली। माँ झूठ बोलती है ना, खा मेरी कसम। खाएंगे तो एक साथ, अभी तू अभी मैं भी लेकर आता हूँ। के लिए रोटी लेने जा रहा हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना, जितनी भी रोटी मिलेगी मैं आदि तेरे नाम से बांट दूंगा, ठीक है? ताकत आ जाए तद कम करना, चल। काम करूंगा तब रोटी खाऊंगा ना लाले, जब रोटी खाऊंगा तब ताकत आएगी ना, काम करने दो ना। मर जाएगा तो कौन जवाब देगा, चल फुट। छुपाएगी, आ चल आ मेरे साथ।
देख लीजिए माल पूरा है या नहीं। और लेके आता तो जरूर देता। स्मगलिंग और बेईमानी के बिजनेस में भरोसा करना अच्छा नहीं होता सर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा, क्योंकि तुम बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी के साथ करते। उसकी अपने को दो रोटी खाने से जो नशा आता ना, वो शायद आपको दो बोतलें पीने से भी नहीं आता होगा। मैं तंग आ चुका हूं इसी जिंदगी से, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। उससे मैं एक छोटा सा होटल खोलूंगा जहां अमीर गरीब छोटे बड़े सब पेट भर के खाना खा सके। जिनके पास पैसे हैं वो भी, जिनके पास पैसे नहीं वो भी, ताकि कल कोई गरीब दो रोटी के लिए मंगल न बन सके। मंगल तो हर हालात में पैदा होती है। मैंने आज तक तुमसे इतनी मेहनत की, तुम्हें सारा काम सिखाया, क्या इसलिए कि तुम एक दिन छोड़कर एक छोटा सा होटल खोल लोगे? ओ माय बॉय नो, तुम्हें दुनिया छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने बात इस सारे कारोबार की जिम्मेदारी तुम पर। बस बैठो, खाना खाओ। जी नहीं, ये खाना अपने भाजपा नहीं होगा। क्यों, क्या बुराई है इस खाने? बुराई इस खाने में नहीं, बुराई इस पेट में है, जिसे सूखी रोटी खाने की आदत पड़ चुकी है। आप खाइए, मैं चलता हूँ, मेरी रोटी कहीं मेरा और इंतजार कर रही होगी। एज यू प्लीज। ला फटाफट ये रोटी तो हम खाएं। पापा जी चल ले आते तो ये मैं तेनू दे देता, अब तो ये रोटी मंगल को दे दी। दे दी। मंगल को देनी है तो पहले हमसे दंगल होगा। लाले दी जान, मैं दंगल करने नहीं, मैं तो पापी पेट भरने आया हूँ, और फिर एक रोटी के लिए क्या झगड़ा करना हा? हमारी सरकार भी तो यही कहती है, अनाज कम है मिलजुल कर खा लो, आधी तुम आधी हम। वाह वाह वाह, क्या बात है? हम आधा काम कोई नहीं करते बच्चे, जो करते हैं पूरा करते हैं। लाले दी जान, काम तो हमने भी आज तक कोई आधा नहीं किया, भूखे लगते हो इसलिए तो आधी दे रहा था। खाएंगे तो बेटे से हम ही, इरादे के पक्के हैं, पूछ ले इस लौंडे से। मंगल बापे ये रोटी से खा लेने दे, तू घर चल, मैं तेनों गर्मा गर्म रोटी खिलाना। लाले अब तो मामला यही काफी गर्म हो गया है, बाजार का मामला घर में नहीं अब बाजार में ही तय होगा। अब तो बात इज्जत की है, रोटी मैंने पहले मांगी थी सो मैं खाऊंगा। हिम्मत है? बता दूं? बताओ। ये रोटी बीच सड़क में रख दो, आप 10 कदम पीछे चले जाओ, 10 कदम मैं पीछे चले जाता हूं, जो पहले छीन लेगा रोटी उसकी। रख देते हैं। लाले लाले ठहर ठहर, रोटी के लिए झगड़ा और रोटी ही सड़क पर? इज्जत दे रोटी को लाले, बाद में तुम मैंने ही खानी है। किसने खानी है अभी पता चल जाएगा।
मिलॉर्ड, ये शख्स जो इस वक्त कटहरे में खड़ा है, खून से जिसके हाथ रंगे हुए हैं, कानून तोड़ना जिसकी आदत बन चुका है, जुर्म करना जिसके दिल बहलावे का सामान, इस शख्स को वो सजा देनी चाहिए कि एक बार मौत भी थर्रा उठे, ताकि कल दोबारा कोई शख्स मंगल बनने की हिम्मत न कर सके। मंगल तो हर हाल में पैदा होते रहेंगे वकील साहब, जब तक गरीब लाचार माएं भूख से तड़प तड़प कर अपनी औलाद लावारिस छोड़कर मरती रहेंगी, जब तक मासूम बच्चे गंदी नालियों के करीब मौत के साए में पलते रहेंगे, जब तक शैतान नुमा इंसान इन मासूम बच्चों की बेखसी का फायदा उठाकर रोटी का लालच देकर इन्हें मुजरिम बनने पर मजबूर करते रहेंगे, तब तक सोसाइटी में एक तो क्या लाखों मंगल पैदा होते रहेंगे, कदम कदम से पैदा होंगे, चप्पे चप्पे पे पैदा होंगे। जज साहब, अगर इस समाज और सोसाइटी से पाप और गुनाह को हमेशा के लिए खत्म करना है तो उन शैतानों को खत्म करना होगा जो चंद सिक्कों की खातिर गरीबों की शराबत और इंसानियत खरीद कर उनके दिलों में गुनाह का बीज बोते हैं, पाप के साए में उनकी परवरिश करते हैं, लोगों का खून पिलाकर उन्हें बढ़ने पर मजबूर करते हैं। आखिर वो मासूम, वो लाचार, वो बेकस एक गुनाहगार बनकर सांप की तरह सोसाइटी के सीने पर लौटने लगता है। खत्म करना है तो उन लोगों को खत्म कीजिए, एक मंगल को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। जैसा जुर्म मैं कर चुका हूं, सबूत उसकी अदालत तक पहुंच चुके हैं, कलम आपकी मेरे लिए सजाए मौत लिखने को बेकरार है, आप अपना फैसला सुना दीजिए, लेकिन लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, कसूर मेरा नहीं रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं। आर्डर आर्डर, मुल्जिम मंगल, अदालत को तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत तुम्हारे लिए सजाए मौत का ऐलान करती है। मंगल, ये लो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। सिर्फ मेरी नहीं जेलर साहब, सभी की पहली और आखिरी ख्वाहिश इस रोटी में छुपी है। बड़ी चमत्कारी चीज है ये रोटी। मैं बुरा बना तो रोटी के लिए, आप जेलर बने तो रोटी के लिए, है ना? रोटी कहां ले जा रहे हो? ऊपर ऊपर। अरे भाई, अगर वहां भी रोटी नसीब ना हुई तो? अरे वाह वाह वाह, मेरे जाने का इंतजाम तो बहुत बढ़िया किया है, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, वार्डन, डॉक्टर, एसपी और डीएसपी साहब भी आए हैं, लेकिन एक चीज की कमी है। वो क्या? ऊपर जाने के लिए पुष्पक विमान। खैर, वो भी आ जाएगा। मंगल, मजाक छोड़ो और ऊपर वाले को याद करो, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। सुप्रिंटेंडेंट साहब, मंगल मंगल के दिन पैदा हुआ, मंगल के दिन पकड़ा गया और मंगल के दिन ही फांसी की सजा हुई, इसलिए मंगल की मौत भी मंगलवार के दिन ही होगी, लेकिन आज आज मंगल नहीं सोमवार है। क्या तुम अब भी ये सोच रहे हो कि यहां से भी फरार हो जाने में तुम कामयाब हो जाओगे? डीएसपी साहब, दुनिया में अभी तक ऐसा कोई फंदा नहीं बना जो मंगल की गर्दन में फिट हो सके। ए यमदूत, देख आ गया हमारा पुष्पक विमान।
मत करो, कहीं ऐसा ना हो मेरा पीछा करते करते आप खुद जहन्नम में पहुंच जाए। तो आप भी यहाँ हैं, लगता है हमारा इंतजार हो रहा था। अरे हमसे क्या पर्दा, अच्छा बाबा हम ही उठाए देते हैं ये पर्दा। मालूम है जब मैं तुझे हाथ लगाने जाऊंगा जरूर बीच में कोई ना कोई आ जाएगा। कहा था ना, लगता है बहुत भूख लगी है आपको, खा लीजिए। आप ही ने मंगवाया, आप खाइए। मंगवाने से क्या फर्क पड़ता है भाई, पेट में तो उसी के जाएगी जिसके नसीब में होगी। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अजी आप तो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, आज ये जमाना आ गया एक दाने पे दो दो आदमियों के नाम लिखे होते हैं। हो सकता है इस पे हम दोनों के नाम लिखे हो। हो सकता है। तो शुरू हो जाइए। हाँ आइए ना। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नाम? अरे आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे किसी का खून करके भागे हो। अजी छोड़िए ना, नाम में क्या रखा है, इंसान तो अपने कर्मों से पहचाना जाता है। वैसे तो लोग अपना नाम सूरज भी रख लेते हैं, मगर दुनिया को अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं देते। आप तो फिलोसफर मालूम होते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी दुनिया का। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ किस्मत ले जाए। आप तो बड़ी गोलमोल बातें करते हैं, कहीं पुलिस में तो नहीं है? पुलिस? जी नहीं, पुलिस में था, अब नहीं। क्यों, छोड़ क्यों दी? अजी वो तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से छूटा हूं। पानी तो वो लाया नहीं, मैं भी मंगवाता हूँ। तुम एक मुजरिम हो, जेल से भागे लगते हो। अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हें डर लगता है तो मैं चले जाता हूँ। जुर्म करना और मुजरिम का साथ देना कानून की नजर में दोनों बराबर है। लेकिन लाले दी जान, नमक खिलाकर नमक हरामी पर मजबूर मत करो मेरे यार। We'll be right back.
अलावा कहाँ? बाजार गए हैं। लालदी जान, तू ये काट सकता है? लोहार का बेटा हूँ, क्यों नहीं काट सकता? शाबाश, चल काट। हथकड़ी? हथकड़ी नहीं, कड़ी। चलो जल्दी। लालेदी जान, फिर मिलेंगे। नामुमकिन, मंगल इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। उसने पुलिस को ही नहीं, हम सबको धोखा दिया है। देखता मुझसे दूर कहां तक जाता है। जाता है तो जाने दीजिए सर, अब जिसे चाहे मंगल बना सकते हैं। नहीं, मंगल ने हमें धोखा दिया है। मेरे हाथ का पाला हुआ मुझे बना चाहे, मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। अरे भाई लोगों, बस सिर्फ 10 मिनट खड़ा रहेगा, तुम लोग चाय पानी करके अपने अपने सीट पर आके बैठ जाओ। क्या बात है बाबा, ये लोग लड़की को क्यों मारती है? अरे चाचा, ये बेटिया सारी बस्ती को बर्बाद कर रही है, इसका यहाँ रहना हमारी बहू बेटियों के लिए अच्छा नहीं। अरे दुनिया में इंसानियत भी तो कोई चीज है। अबे इंसानियत के बच्चे, ये भी पापी लगता है, निकालो इसे। मारो साली को। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा। हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। हो कोई मान गया रे, कोई रूठ गया हो, कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक बेईमान चुनो वो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे।
इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी न हो वो पहला पत्थर मारे। वो पहले अपना मन साफ करो रे, फिर औरों का इंसाफ करो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक नादान चुनो, ओ जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, ओ जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो। ये तो किसी हीरो वीरो के कपड़े लगते हैं। वाह, आपके लिए चाय वगैरह कुछ। ए छोकरा, चाय बच्चा पीता है, हम दोस्त पीता है। ओए छोकर, एक ग्लास गर्म गर्म दूध लाओ, मलाई ज्यादा होना चाहिए। और सुनो, दूध के अंदर बहुत मलाई होना चाहिए, नहीं तो एक ढाबा बंद कर दूंगा। पैसे? कैसे पैसे? गर्मा गर्म मलाईदार दूध के, जो आधा तेरे पेट में है आधा मूछों पर। ओए हमसे पैसे मांगती है? ओए जब मैं पठानकोट में था हमसे कोई पैसे नहीं मांगता था। तभी तो तुझे पार्सल करके यहाँ भेजा। ओए छोकरी, तमीज से बात कर, मैं बहुत कड़क आदमी हूँ। क्यों भाई, तू क्या लॉन्ड्री से धुलकर आया क्या? बाउंड्री में रहकर बात कर, नहीं तो हवाला हाथ में बंद कर दूंगा। तू चुपचाप पैसे निकाल, वरना मैं तुझे अंदर बंद कर दूंगी। ओए बकवास बंद कर, कितने पैसे हुए तेरे? आया ना अब तू लाइन पे, चार आना छोड़ रुपया, चल निकाल। बहुत बेईमान डाबा है, एक गिलास दूध का एक दर्जन आना। थोड़े दिन जाने दे, एक गिलास पानी के बारह आने हो जाएंगे। और वैसे भी असली दूध किधर था? दो आने का दूध था तो दस आने का पानी था। ओए गुस्तावे, इस चोकरी का नंबर नोट करो, इसके डाबे का नंबर नोट करो, इसके माँ बाप का नंबर नोट करो। इसमें मिलावट है, दूध में मलाई मिलाती है, गोश्त में आलू मिलाती है, चाय में पत्ती मिलाती है। और मैं तो कहता हूँ इसके डाबा उखाड़ के फेंक दो, इसमें बहुत खराबी है। और चाय के स्टिक से शराब करने का। अरे ये क्या कर रहा है, ये तो असली घी है। एक ग्राहक ने असली घी के पराठे मांगे हैं। तू मेरा दीवाला निकालेगा। ये ले, चालू घी के पराठे बना और खुशबू के लिए ऊपर से असली घी दो चार छींटे मार दे। ये तो बेईमानी है। अरे इसमें बेईमानी काहे की, मैं तो फिर भी चालू घी लगाने के लिए बोलती हूँ। बाजू के ढाबे वाला तो साला घी की जगह ग्रीस लगा कर देता है। देख, मेरे इजाजत बगैर असली घी के डब्बे को कभी हाथ मत लगाना, ये 5 साल और चलेगा। और हाँ एक बात और सुन,
कि राग को भूलकर भी कभी असली के पराठे बनाकर मत खिलाना। लोगों को नकली की खाने की आदत हो गई है। तू बात समझा कर, पेट खराब हो जाता है। ये पराठे उठाकर रख दे मेरे लिए, समझा? करंट लगा ना, मेरा नाम बिजली है, करंट मारती हूँ। और क्यों बे, चोरी करने के लिए तेरे को मेरा ही धाबा मिला था क्या? चोरी? चोरी कौन करने आया था? मैं तो ये देख रहा था ये रोटी ठीक से बनी है कि नहीं। अच्छा अच्छा, तो तू ढाबे का मुआयना करने आया था। सच सच क्यों नहीं बोलता? रोटी चोरी करने के इरादे से आया था? बोल। मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हैं, तू उसे गिरवी रख ले, बाद में छुड़ा लूंगा। बिजली के ढाबे में उधारी और गिरवी का रिवाज नहीं है। चल फट। अंडारा कंडारा 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 चल रख। चढ़ेला तो अंडा है। इधर आ, इधर आ। और ये तेरी। सुन, मैं लड़की हूं और अकेली हूं, फिर भी ऐसा तैसा करके पेट भर लेती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। और तू तो आदमी है, हट्टा कट्टा है, चोरी करते शर्म नहीं आती? जिंदगी में पहली बार किसी से अच्छी बात की तो सारा भड़क के चला गया। अरे जाए जहन्नम, अपने को क्या लेने का। तू तो आदमी है, हट्टा कट्टा है, चोरी करते शर्म नहीं आती? अरे अरे लाले लाले छोड़ दे। अरे 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 चले दे यार। अरे इतना भी क्या गुस्सा है? अरे छोड़ दे। अरे कमाल, अरे छोड़ दे लाले। अरे अरे कमाल है, जिंदगी में पहली बार गुंडा से भाग रहा हूँ और तू है कि मेरे कदम रोक रहा। अरे छोड़ दे, छोड़ दे लाले दी जान। कौन है, कौन है मोदी, कौन है? बोलते क्यों नहीं, गोली मार दूंगा। अरे कौन है तुम भाई, बोलो कौन है तुम? मेरी बंदूक कहाँ गिर गई? मेरी बंदूक, बंदूक कहाँ है मेरे? मेरी बंदूक, मेरी बंदूक। अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ गिर गई मेरी बंदूक? कहाँ है? अरे भाई तुम कौन हो? मैं आज ही आया हूँ। कहाँ से? शहर से, शहर से। जालंधर से? हाँ जी। तुम मेरे बेटे श्रवण के दोस्त रामू तो नहीं हो? जी जी, जी हाँ, रामू तो हूँ। तो बेटा फिर अंदर चलो, अंदर चलो, चलो। बहुत ही वफादार कुत्ता है आपका। हाँ, मगर अपने पराये को पहचानता नहीं। ए बेटा एक बात बताओ, तुम चुप क्यों थे, जवाब क्यों नहीं देते थे? जी वो आपके हाथों में बंदूक देकर मैं जरा सा डर गया था। मैं समझा कि कोई चोर है, इसलिए मैं बंदूक उठाकर बाहर आ गया। और बेटा, और फिर मोती भी तो कुछ ऐसे ही भौंक रहा था जैसे घर में कुछ चोर घुस आया हुआ। मालती देखो, अपने श्रवण का दोस्त आया है रामू। मैं खामखा बेचारे को चोर समझ बैठा। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हें तो हर आदमी चोर नजर आता है। अब तू ही बता बेटे, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि ये शरीफ है या चोर। अगर लिखा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, अंधे उसे थोड़े ही पढ़ सकते हैं। आप ही? हम। चलो पहले खाना खा लो, फिर आराम करना, सफर में थक गए होंगे ना? नहीं माँ जी, आप लोग खाइए, मैं खा के आया हूँ। ये कैसे हो सकता है, दो निवाले तो हमारे साथ खाने ही पड़ेंगे। चलो आ, 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 आ। आप कहते हैं खा लेते।
सर ये कार्ड। श्रवण कुमार 50 पैल गांव कश्मीर। श्रवण मर्डर केस के फिंगरप्रिंट से मंगल के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। व्हाट? इसे मंगल की फाइल में रख दो। ओके सर। इसका मतलब है मंगल मरा नहीं, जिंदा है। अनंत, मंगल को दोबारा गिरफ्तार करना तुम्हारी जिम्मेदारी। आई वांट हिम डेड और अलाइव। यस सर। ये मेरे श्रवण का कमरा है, तुम यहीं आराम करो। सलाम साहब। इस आदमी को यहाँ कहीं देखा है? हाँ। कहाँ? आइए मेरे साथ। मंगल कहाँ है? कौन मंगल? जो आपके घर में रहता है, वो श्रवण का दोस्त नहीं बल्कि जेल से भागा हुआ खूनी मंगल है। मंगल, भागने की कोशिश मत करना। मंगल, तू क्यों बे? ये घर क्या तेरे बाप की धर्मशाला है जो टांगे फैलाकर सो रहा था? ढाबे में कुछ नहीं मिला तो यहाँ घुस आया है। सोचा अंधे माँ बाप का बेटा घर नहीं है, मौका अच्छा है क्यों? अरे तू मुझे गलत समझ रही है। मैं सब ठीक समझ रही हूँ। बोल क्या चुराया है? चुराया? बोल, नहीं तो सारे गोलगप्पे जैसी आंखें निकालकर हाथ में दे दूंगी। हाँ ए छोकरी, मैं धमकियां सुनने का आदी नहीं हूँ। सीधे मुंह बात कर वरना एक रख के दूंगा, चौकटे का डिजाइन बदल जाएगा, समझे? अरे जा, तेरे जैसे 960 दादाओं की छुट्टी कर चुकी हूँ। क्या हुआ बेटी? चोर घुसाया घर में चाची। चोर? चोर घुसाया? कहाँ है? ये माँ जी, ये मुझे चोर समझ रही। अब बेटी अपना दिमाग ठंडा रखा कर, आए दिन किसी ना किसी से झगड़ा मोल ले बैठती है। ये चोर नहीं है, आपने श्रवण का दोस्त रामू है। क्या बात करते हो बाबा, कोई भी चोर चक्का श्रवण के दोस्त का नाम लेकर आएगा तो क्या घर में घुसा लोगे? कल को कुछ गड़बड़ होगी ना तो अपना नाम नहीं लेना। हाँ, फिर बोल रहे कि मैंने जिम्मेदारी ली थी। अरे सुन तो। अब बेटे इसकी बात का बुरा मत मानना, ये कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती है। आज से एक आदमी का खाना ज्यादा लाया करना। श्रवण के आते ही मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगी। हा? आज तक मैंने पैसे की बात की है जो तुम? अच्छा बोलो, रात को खाने के लिए क्या लाऊं? चलो सेठ। क्या भाई, घर में को है क्या? क्यों भाई अमदूत, तो फिर आ गया क्या? तू चुप बैठ। सुन बे अंधे, इंजीनियर का प्लान आ गया मेरे पास, जल्दी से मकान खाली कर दे, मुझे यह होटल बनवाना है। सेठ, कई बार तुमसे कहा है कि हमें ये मकान नहीं बेचने का, फिर बार बार आकर हमें क्यों परेशान करते हो? तुम्हें जो कुछ कहना है श्रवण जब आ जाए उसी से कहना। होटल तो यहाँ जरूर बनेगा, सीधे से मेरी बात मान जाएगा तो मकान के पैसे भी मिल जाएंगे। और नहीं तो याद रख, मैं धक्के मार मार के निकाल दूंगा यहाँ से। चल कार दस्तक। नहीं नहीं सेठ जी, इस मकान में मेरी बेटी आई थी, अर्थी उठने से पहले तो इस मकान से मत निकलना। अगर होटल बनवाने के लिए अर्थी उठाना जरूरी है जब कहो। दूसरों की अर्थी उठाने से पहले अपनी अर्थी का इंतजाम कर बुड्ढे। इस घर के लोगों की अर्थी उठाने वाला आज तक कोई माइकल लाल इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कौन हो तुम? कई नाम है मेरे, गरीब माँ बाप मुझे अपना बेटा कहते हैं, मजलूम लड़की अपना भाई, बेसहारे यतीमों का दोस्त हूँ और जालिमों का दुश्मन। बोल, तुझे किससे मिलना? बहुत बोलता है। चाची तुम अंदर चलो, बाबा आओ।
थोड़ा पानी तो लाना रे। अपने कुत्ते से कहा रुक जा। कुत्ता रुक जा। शाबाश शाबाश। अरे बुड्ढे को दे दे जरा। अगर और ये कागज की बत्ती बना और इसे खिला दे। मुगल अरे पीना बुड्ढे, अगर ये कागज तुझे फिर कहीं मिल जाए तो यहां मत लाना वरना फिर से खिला दूंगा, समझे? देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। मालती, ये पिछले जन्म में जरूर हमारा बेटा होगा। जानता नहीं ये भी बंदा कौन है, साला कल का। बस 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 सेठ जी, शरीफों के घर आए हो, इज्जत से जाने दे रहा हूं, वरना बहुत बोलते हो। क्यों बेटे, आने वाला कल देखना चाहते हो कि नहीं? अरे सेठ, हम तो आने वाले हर कल को अपने सर पर बांध कर चलते हैं। वैसे भी कल मंगलवार नहीं है। हाँ, लेकिन इतवार तो है, मैं छुट्टी कर दूंगा। मैं आखिरी बार कहता हूँ तुझसे, जाल फुट जाए यहाँ से हराम का। चुप, खबरदार मेरे होते दोबारा इस घर में कदम रखा तो। बेटे, कदम तो मैं रखूंगा जरूर, लेकिन फिर किसी वक्त। चलो कागज खिलाया मुझे, मैं घास खिलाऊंगा घास। अरे मेरे मिर्च मसाले, जी में आता है राजमा की दाल में तेरा तड़का लगा दूं। बात तो तूने मर्दों वाली की, लेकिन वक्त आने पर भाग तो नहीं जाएगा? अरे भागना तो मेरे नसीब में लिखा है, लेकिन लाले दी जान, जब रुकता हूं ना तो ऐसे कमीनों की सांसें रुक जाती हैं। ये हुई ना बात, चल इसी बात पर बीड़ी पी ले, ले। औरत होके बीड़ी पीती है तुझे शर्म नहीं आती? मर्द होकर बीड़ी नहीं पीता तुझे शर्म नहीं आती? शर्म आती है लेकिन चली जाती। साला जी, यही है आपकी बेटी जो परसों पहले पूर्ण महीने में खो गई थी। ये निशानी थी, ये देखिए, ये निशानी है ना? निशान तो वही है। मेरी बच्ची मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? हटो, हटो तो जरा, हटो जरा। शरीर के बच्चे, ले जाओ इन दोनों को और धक्के मार के बाहर निकाल दो। आ जाने कब तक हराम चाले, हर बलती सलती लड़की को मेरी खोई बेटी बनाकर मुझे ठगने की कोशिश करते रहे। उस वक्त तक जब तक आप गरीबों पर जुल्म करते रहे और जब तक मेरी खोई बेटी मुझे मिल नहीं जाएगी, मैं जुल्म करता रहूंगा, करता रहूंगा। जब मुझे चैन नहीं है तो मैं किसी को भी चैन से सी। सुनिए, आखिर अब हम लोग की जिंदगी के दिन ही कितने रह गए। आइए ये सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में बैठ जाते हैं, कभी तो उसे हम पर दया आ जाएगी। भगवान की शरण में बैठ जाते हैं, अरे वो भी तो करके देख लिया है, देख लिया है। महीनों मंदिरों की चौकट पर सर पटका है, मन्नतें मानी हैं, हजारों के इनाम का ऐलान किया है, बेटी को आशीर्वाद दिलवाने के लिए कुंभ के मेले में ले गए थे ना, ये आशीर्वाद दिया उसने। ना जाने कहां कैसी होगी मेरी बच्ची। हेलो, कौन? सूरज से बोलो पार्टनर। पार्टनर तो उस दिन बनूंगा जिस दिन तुम कागजात पर दस्तखत करवा के होटल का काम शुरू कर दो। देखो फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। और अगर खुशखबरी ना सुनाई तो याद रखना, तुम्हारा ही घर तोड़वा के वहां होटल बनवाऊंगा और पहला कैबरे तुमसे करवाऊंगा, समझे? आराम करो, खड़े खड़े मेरा मुंगा देख रहे हो। जाओ और श्रवण के दोस्त की ऐसी पिटाई करो तो पहलगाम का नाम सपने में भी लेना पूछ जाए। चाप चाप चाप। नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार। श्रवण का घर यही है जी? हाँ हाँ हाँ। आप क्या चीज? हम
आप श्रवण के परम मित्र अध्यापक रामू। कहाँ है श्रवण? श्रवण जी वो शहर गया। यहाँ भी नहीं पहुंचा? अजीब आदमी है। हमें तो कह गया कि जलंधर से हमें लेता हुआ यहाँ आएगा, न जलंधर आया न यहाँ पहुंचा। हमें जलंधर से अकेले ही आना पड़ा। किधर गया है? तो श्रवण के पूजनीय माता पिता कहाँ है? मंदिर गए। उत्तम, अति उत्तम। देखो महाशय, हम कश्मीर अपने स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए आए हैं। हमारे निवास का प्रबंध कहाँ है? आप ही का घर है। आहा, धन्यवाद धन्यवाद। अरे रे 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 रे, कैसी कुंठित बुद्धि है हमारी। आपका परिचय लेना ही भूल गए। कौन है आप? मैं भी श्रवण का दोस्त हूँ। परंतु श्रवण के संपूर्ण मित्रों से हम परिचित हैं। आपकी तारीफ नहीं सुनी? अरे साहब, हम तारीफ के लायक ही कहाँ जो कोई हमारी तारीफ सुने। वैसे तो श्रवण भी मुझे नहीं पहचानता जी। मेरा मतलब है बचपन से बिछड़े, अब तक नहीं मिले। अच्छा 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 अच्छा, ये चलचित्र राम और श्याम जैसा कुछ मामला है? बस साहब, ऐसा ही कुछ मामला समझ लीजिए। अब आप आ गए, हम चलते। तो आप श्रवण से नहीं मिलेंगे? श्रीमान जी, जब राम ही आ गया है तो फिर श्याम का क्या काम, फिर मिलेंगे। अद्भुत मित्र है। पिताजी आ गए। नमस्कार श्रीमान जी, कौन है आप लोग? क्या तुम ही श्रवण के दोस्त हो? परम मित्र, क्या कष्ट है? कष्ट तो अब तुम्हें होगा। ये किस तरह का व्यवहार है जी? है? क्या बात है? ए, आप लोग कौन से विद्यालय से हैं? है? समझ लिया तेरी तो आए। अब मुझे क्रोध आ रहा है, मैं एक एक को ठीक कर दूंगा। कोई है? आओ, एक एक हम दो दुनी तीन चौके। मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई जब मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये उसके कर्मों का फल है। अरे मैंने कुछ नहीं किया। ये बेलन क्यों? ये बेलन क्यों? अगर ये बेलना तुझे दोबारा फिर मिल गया तो इसे वापस लेकर मत आना, वरना फिर खिला दूंगा, समझे? धन्यवाद। अरे कौन सी कक्षा में पढ़े हो? किताब पढ़ी है कि नहीं? बन मानुष, तुम लोग कभी पास नहीं होगे। मारा मारा, क्या कर लेगा? अरे तू भी मारता है। अरे भाग बोले, भाग 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 भाग। अरे जल्दी भाग, अरे कुछ गुंडे मेरे पीछे। चालक, चालक महोदय, सर पर दौड़ाइए। आप? ओ श्रीमान जी, आप, आपके जाते ही कुछ गुंडे पधारे, पूछने लगे आप ही श्रवण के मित्र रामू हैं? मैंने कहा हाँ। कहते मुझ पे बरस पड़े, मुझे इतना पीटा जैसे धोबी अपने कपड़ों को घाट पे पीटता है। सोचा था कश्मीर में सेब खाएंगे, मुझे बेलन खिला दिया सालों ने। उनके माता पिता? वो तो बेचारे मुझसे मिले तक नहीं। आप वापस नहीं जाएंगे? वापस? मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई है श्रीमान जी। पाठशाला की किसी भी पुस्तक में इस गाँव का नाम तक आया तो पूरा पन्ना फाल दूंगा। जल्दी चलो भाई। कहाँ जा रहे हो भाई? वापिस जा रहा हूँ, कुछ भूल गया हूँ। क्या? पर्स। फिर मिलेंगे। मैं नहीं मिलूंगा। अरे चालक महोदय, जरा जल्दी कीजिए। बस रोकना। अरे क्यों रोकी चालक तू? अरे अरे जाओ भाई। अरे अच्छा, अरे चालक जल्दी, चालक। चावल के बोरे यहाँ, कनक के इस तरफ, शाबाश रखते चले जाओ, सब कुछ जमाते चले जाओ। आला भी तुम मिला, ला ला लाला, आराम के साथ जमाते चले जाओ मेरे बहादुरो। चालीस बयालीस तैतालीस चौवालीस पैंतालीस, बाबा बाबा, रखो रखो, हाँ रखो भाई, हाँ हाँ। अरे भाई आखिरी बची, इसे भी तो लाओ, यहाँ रखो मेरे भाई, यहाँ रखो। घास लाओ, घास लाओ, अनाज को तो आई तो सोना, समझो सोना, छुपा छुपा ढक बच्ची का। शाबाश शाबाश, हो गया अपना काम। मैं तुम लोगों को किस भाषा में समझाऊं? अनाज नहीं है, गोदाम सारा खाली पड़ा है। देख लो,
पिछले साल बारिश नहीं हुई, अनाज नहीं हुआ, इस साल इतनी बारिश हुई कि खेतों के खेत बह गए। अब तुम ही सोचो, जब इस देश में पिछले दो साल से अनाज नहीं हुआ तो मैं कहां से लाऊं? अबे, जब तेरे को मालूम था कि दो साल से अनाज उगा ही नहीं तो फिर एडवांस क्यों लिया था? वो एडवांस तो मैं इस बात से लिया था, मैं समझा कि अमरीका वाले भेज देंगे। अरे अमरीका वाले नहीं भेजेंगे तो फिर रूसी भाई हैं, वो भेज देंगे। अब नहीं आया तो मैं क्या करूं? एडवांस है ना, वापस ले जाओ। खबरदार, एडवांस वापस मत लेना। जब दो चार दिन में अनाज आ जाएगा तो ये साला अपने कुछ डबल भाव में देगा। क्यों? अरे जब आएगा तब बेचूंगा ना। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। अरे बेचार कुत्तो, ये यहाँ वापस कैसे आया? पेट जब भूखा हो ना पब्लिक अनाज तो क्या घास खाने के लिए भी तैयार हो जाती है। फिर खिला दे इन सबको घास और मेरी छुट्टी कर। छुट्टी तो मैं तेरी करूंगा ही लाला। भाइयों मेरा कहना मानो और अपने अपने एडवांस वापस ले लो। और फिर घास तो बड़ी विटामिन वाली चीज होती है। अरे कभी तो अकल की बात किया कर, इंसान क्या जानवर हो गए हैं जो घास खाएंगे? अरे मेरी बात तो सुनो, आज मैं तुम लोगों को वो घास खिलाऊंगा, वो घास खिलाऊंगा। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है चाहे तो सर पे बिठा ले चाहे फेंक दे नीचे। ये चाहे तो सर पे बिठा ले चाहे फेंक दे नीचे। पहले ये पीछे भागे फिर भागो इसके पीछे। अरे दिल टूटे तो अरे ये रूठे तो, दिल टूटे तो ये रूठे तो तौबा कहाँ फिर मानती है। पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है अभिनेता दे जनता को जो धोखा। क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को जो धोखा। पल में शोहरत उड़ जाए जो एक पवन का झोंका। अरे जोर न करना, अरे शोर न करना, शोर न करना, शोर न करना, अपने शहर में शांति है। पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है
छुपाए कुछ हम लोग न बोले, हीरे मोती तुमने छुपाए कुछ हम लोग न बोले, अब आटा चावल भी छुपा तो भूखों ने मुँह खोले, हर भीख न मांगे हर कर्ज न मांगे, भीख न मांगे कर्ज न मांगे, ये अपना हक मानती है पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है आज अंदर क्या है आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ए बाबू, मैंने कहा बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, समझे कि नहीं? हेडमास्टर ने कहला भेजा है, वो अब ज्यादा दिन श्रवण का इंतजार नहीं कर सकते, कल तक नहीं आया तो वो किसी और को रख लेंगे। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। आइडिया, तू परेशान मत हो चाची, जब तक श्रवण नहीं आता वो अपना रामू है ना, हा? वो बढ़ा देगा। कौन मैं? तेरा भेजा तो नहीं खराब हो गया, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? क्यों, तू भी तो मास्टर है, पढ़ाने में क्या जाता है तेरा, यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, थोड़ा काम करेगा तो क्या खिस जाएगा? नहीं बिजली, मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ। क्यों क्यों क्यों? मैंने बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ी है, छोटी पढ़ाई मैं भूल गया हूँ। अरे तो ऊंची पढ़ाई पढ़ा दे, दो दिन की तो बात है। हाँ बेटा, ये ठीक ही तो कह रही है, तेरा वक्त भी गुजर जाएगा और श्रवण की नौकरी भी सलामत रहेगी। बेटा अगर ये नौकरी चली गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ बोल दे बेटा। अब मैं तेरे को मक्का लगाऊं क्या? मगर तू समझ ही नहीं रहा। मगर मगर क्या करता है? चल सबसे बड़ा। अरे अरे धक्का क्यों मारे? बचपन में स्कूल नहीं गया था ना, इसलिए थोड़ा डर रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब है बचपन में इस तरह कोई स्कूल नहीं ले गया था जैसे तू ले जा रही है, इसलिए डर लग रहा है। ये कोई जेल खाना है जो तुझे डर लग रहा है? अरे जेल से तो मैं खुद वापस आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ से कैसे? यहाँ तुझे कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा कोई नहीं, खुद पकड़ा जाऊंगा। मेरा मतलब है चलो इसी बहाने कुछ सीखने को तो मिलेगा। तू यहाँ सीखने नहीं सिखाने आया है, तेरी बात तो मेरे समझ में नहीं आती। चल जा। जाता हूँ जाता हूँ। चाहता है कि नहीं? जब स्कूल छूट जाए ना तो मुझे उस पेड़ के नीचे मिलना। आप ही हेडमास्टर हैं? हेडमास्टर नहीं तो क्या चपलाशी दिखाई देता हूँ? मैं श्रावण के बदले में आया। अबे जल्दी कर, मेरा मास्टर आ रहा है, उनकी बचने वाली एक ही मिनट बाकी रह गए। अबे बस हो गया काम, मेरी जमात में तो जितने बदमाश थे ना सालों को माल माल के मैंने दुम्बा बना दिया। लो इसे रहने दीजिए अपने पास, जब जरूरत होगी तो मंगवा लूं। अरे वो ठीक है, मगर बरकुल दा तुम्हें अपना सब्जेक्ट तो मालूम है ना, इतिहास। बड़े मियाँ इतिहास तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि स्कूल का इतिहास भी बदल जाएगा।
बड़े लोगों को तोपों की सलामी दी जाती है ना मास्टर जी। जब कोई नया मास्टर आता है ना तो हम भी उसे 10 तोपों की सलामी देते हैं। क्या है कि नहीं सलामी होगी ना। मास्टर जी जब तक आप नहीं बैठेंगे हम लोग कैसे बैठ सकते हैं। यहाँ के मिस्त्री खराब है मास्टर जी, साले थूक लगा के कुर्सी जोड़ते हैं। मैं आपके लिए दूसरी कुर्सी लाऊं? नहीं नहीं नहीं। देखो बच्चों, मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमारे पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल अलग है मास्टर जी। मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई शुरू करने से पहले तुम लोगों से जरा गुल मिल जाऊं, इसलिए पहले पहले अपना अपना नाम बताओ। मास्टर जी पहले पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार। मेरा बजरंगवार। मेरा सोमवार। मेरा मंगलवार। मेरा बुधवार। मेरा वीरवार। मेरा शुक्रवार। मेरा शनिवार। अबोश, मैंने सबके असली नाम पूछे थे, असली नाम बताओ। आजकल असली कुछ भी नहीं है मास्टर जी, घी नकली, तेल नकली, दूध नकली, दही नकली, सब कुछ नकली। कहीं आप भी तो नकली नहीं है मास्टर जी? नहीं 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 नहीं, लिखने से पढ़ाई कैसे होगी? साफ साफ बताओ तुम लोग पढ़ना चाहते हो कि नहीं? ये हुई ना बात, यहाँ भी कौन पढ़ाना चाहता। बैठो आराम से। यस सर। हरक सिंह हाजिर हुजूर। अभी अभी खबर आई है कि मंगल यहीं कहीं आसपास के इलाके में छुपा हुआ है, इसलिए हर नए आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाए। हुजूर अगर आप हुक्म दे तो हर आने जाने वाले को अंदर कर दो। नहीं, आज रात पोस्टर छपकर आ रहे हैं जिस पर मंगल की तस्वीर छपी हुई है। पोस्टर आ रहे हैं, जब गेदड़ की मौत आती है तो उसके पोस्टर छपते हैं। वारी किस्मत, फांसी के तख्ते से बचाकर मास्टर बना के मुझे कहां फंसा दिया रे। ए, देखना कैसे बंधन कर आई हूं। ए? कोई जवाब नहीं, क्या हुआ? फिर से नहीं क्या? थोड़ी देर क्या हो गई आने में? थोबड़े पे कर्फ्यू लग गया है। देख अपना नाम लिखवाई हूँ। अरे मैं तो तेरा भी लिखवाने वाली थी, फिर सोचा तू ही अपने हाथ से लिख देगा तो मजा आ जाएगा। देख फाउंटेन पेन मिलाई हूँ, ले लिख देना। मेरे साथ इश्विश की बातें करते हो, तुझे शर्म नहीं आती? ले मर्द होकर जो बात तुझे करनी चाहिए वो मैं कर रही हूँ, तुझे शर्म नहीं आती? बिजली मैं एक आग हूँ, मुझसे मत खेल वरना जल जाएगी। तू आग है तो मैं बिजली हूँ, इससे अच्छा रिश्ता और क्या हो सकता है रे। बिजली मेरे साथ उल्टी सुल्टी बातें मत कर, मैं आज बहुत गुस्से में हूं। ए, ये क्या बदतमीजी है? आज चौकरी तू चुप रहे, मैं बहुत कड़क आदमी हूं। और एक डरपोक छुए बाहर निकाल, बाहर निकाल। देख होशियारी मत कर, हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ, जल्दी आओ, इधर आओ। ओए उधर क्या देखते हैं, इधर आओ, जल्दी आओ। ओए मंगल सिंह के बच्चे, मेरे से दंग कर ले रहा है, ओए बचा दूंगा। डर गए ना, निकल गए ना जान। और जब मैं असली खूनी मंगल को पकड़ूंगा तो उसके जान भी इस तरह ही निकलेगी, उसकी छुट्टी कर दूंगा। छुट्टी कर दूंगा? हवलदार साहब, मंगल बड़ा चालाक आदमी है, हो सकता है वो आपके सामने आया हो और आपके हाथों से निकल गया हो। और मेरे हाथ से क्या निकलेगा, उसका बाप भी नहीं निकल सकता है, मैं बहुत चालाक आदमी हूँ। हवलदार साहब, जब आप मंगल को पहचानते नहीं तो आप उसको पकड़ेंगे कैसे? ओए कब तक गांव का बच्चा बच्चा उसे पहचान जाएगा? कैसे?
आज रात को पुलिस के जीप ने उसका पोस्टर छाप कर आ रहा है जिसमें उसका फोटो है, और मैंने भी अखबार वालों को अपना फोटो दे दिया है कि जब मैं खूनी मंगल को गिरफ्तार करूं तो उसका फोटो के साथ मेरा फोटो भी धार धार छापो। अब देखते हैं कल किसके पोस्टर छप कर लगते हैं। ओए रास्ता तो बंद है, चल चल के हटाते हैं। चल चुक और जोरला और सलाम मास्टर। लोग आपको देखकर भाग क्यों रहे हैं? और ये मुझसे डरते हैं, इनको मालूम है मैं बहुत कड़क आदमी हूँ। लेकिन कल तक तो आपका इतना रोब नहीं था, आज कैसे बढ़ गया? और रोब तो तुम्हारा तब देखना जब मैं खूनी मंगल को गिरफ्तार करूंगा। तब ये लोग बिस्तर से मुंडी भी बाहर नहीं निकालेगा और उसके बाद मेरा तरक्की होगा। अच्छा वल्दार साहब, मैं चलता हूँ, लगता आपकी तरक्की आ गई। वो तो आएगी आएगी। सलाम करो। और किसको बोलता? इनको बोलता, गिरफ्तार कर लो मंगल को। ओए मंगल जंगल में होएगा, मैं वल्दार खड़क सिंह हूँ, एक एक गोली चौड़ा दूंगा। चुप रहो, तुम डाकू मंगल हो, पुलिस के कपड़े पहन के पुलिस को धोखा नहीं दे सकते। ले चलो इसे। ओए क्या बकवास करते हैं? ओए मंगल कल तुमने मुझे 10 तोपों की सलामी दी थी, दी थी ना? आज मैंने दी। आदर, आइए। जो मुझे दिया था आज मैंने वापस कर दिया। आदाब।
बोलो हिसाब किताब बराबर? अरे उधर क्या देखते हो? अरे तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम्हारे ना हमारे। दबे बोलो। क्या है बे? निकाल पैसे, नया मास्टर नहीं आएगा। नया मास्टर तेरा बाप निकला, चल निकाल पैसे। देता हूँ देता हूँ। सारा मूड खराब कर दिया इस नए मास्टर के बच्चे ने। ले बे तेरी इतने। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस गरीब देश में इतनी बेदर्दी से पैसे क्यों बांटे जा रहे हैं? जवाब दो। मास्टर जी, हाँ। कल ने शर्त लगाई थी। क्या शर्त लगाई थी? के बोलो। कहा था कि आप भाग जाएंगे। हाँ भागा तो था, थोड़ी सांस लेने के लिए बजाय बाहर जाने के अंदर आ गया। इन पैसों के पेड़े लेकर आओ और करण के नाम पर सारी क्लास को बांट दो। अच्छा मास्टर जी। हाँ तो बच्चा लोग, अब हम इतिहास पढ़ेंगे। ये तो बताओ अकबर कौन थे? मैं बताओ मास्टर जी। हुमायूं का बेटा। गलत। बोलो। बाबर का पोता। फिर गलत। अकबर था सलीम का बाप। तुम भी गलत। कौन थे अकबर? अकबर थे पृथ्वीराज कपूर। तो इतिहास में नहीं है। भूल गए मुगले आजम। अब ये बताओ सलीम कौन थे? अरे वाह बेटा, आ गए लाइन पे। अच्छा ये बताओ अकबर के कितने बेटे थे? एक था शहजादा सलीम। गलत। मास्टर जी सलीम ये तो अकबर का बेटा था। अकबर के बेटे तीन। तीन? अरे मैं जाती तौर से जानता हूं, तीन बेटे। राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर। साला तेरे का मास्टर है। ए, साला बोलता है तेरी तो। चले चल खड़े रह। ए मास्टर, मैं अंदर आऊं या तू इधर आता है? क्या है ये साला? बड़ी कुत्ते चीज है। काली भक्ति है, इतना ढाबा नहीं स्कूल है। बीड़ी तो फेंक, बच्चों पे क्या असर होगा? अरे क्या असर होगा, मैं इन सबको जानती हूँ। साले कोने काने में छुपके बीड़ी पीते हैं। देख हाँ। ये मेरी मासी का लड़का है, तू इसे पढ़ा, बहुत मस्ती खोरे। अगर पढ़ने में अड़ीबाजी करे ना, घुमा के देना साले को, इसके हड्डी का चूरमा निकाल देना। हाँ तू जा 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 बैठ जाओ। नाम क्या? ए सुन सुन, अब क्या है? तू रात को खाना क्या खाएगा? बटेर। अबे चुप है, जो तू पकाएगी वो खा लूंगा, जो नहीं पकाएगी नहीं खाऊंगा। आप मेरा भेजा मत खा, मुझे बच्चों को पढ़ाना, फूट यहाँ से। मास्टर क्या बन गया साला, भाव खाता। अच्छा बच्चों आपने अपनी हिस्ट्री की किताबें निकालो और देखो तुम खड़े होकर आगे का सबक पढ़ो। रात के वक्त हिमायों की फौज बेकदर सो रही थी कि शेरखान आधी रात के बाद इसकी छोटी हुई फौज पर टूट पड़ा। जान ये कड़ा कहां से मिला? ये कड़ा नहीं है मास्टर जी, कड़ी है, हथ कड़ी। कहां से मिले तुम्हें? मास्टर जी लगता है आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूला, मुझे सब याद है। तूने किसी को बताया तो नहीं? अब तक तो नहीं। बड़ा अच्छा लड़का है रे, आइंदा बताना भी नहीं है? इस बात की कोई गारंटी नहीं। लाना मुझे कड़ी, मुझे दे दो। कड़ी नहीं हथ कड़ी, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं दूंगा। तो फिर कैसे देगा? पहले तुम मुझे अपना बाजा दो। हाँ? फिर दूंगा। ये ले, ये ले बाजा। ए, ये तो एक ही है, दूसरी कहाँ? दूसरी तब दूंगा जब वादा करो मुझे पढ़ाओगे नहीं। नहीं पढ़ाऊंगा। मारोगे भी नहीं? बिल्कुल नहीं। और मुझे पास भी कर दो? अरे हाँ पास कर दूंगा। मेरी बुआ से भी नहीं कहोगे? हाँ नहीं कहूंगा। तू भी नहीं कहना? कहना होता तो कब का कह दिया होता। अरे बड़ा सयाना है। ए, लाना दूसरी निकालना। दूसरी तो यहाँ नहीं है।
ढूंढना पड़ेगा, घर पे कहीं रख दिया है? शाम को आ जाना, दे दूंगा। साला बड़ा बदमाश है। बड़े तो आप हैं, मैं तो छोटा हूँ। हाँ बेटे, हो तो छोटे लेकिन निकले हमारे भी बाप। रुक जाओ। क्या है? इधर आओ। अरे जा यार, अपना और मेरा टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है? यहाँ तो कड़की है, जाके दूसरा कोई बकरा पकड़। बकरे को लेकर हम क्या करेंगे छोकरे? संसार के धन को तो हम हाथ तक नहीं लगाते। हमारी आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इसीलिए लोग हमें महात्मा कहते हैं। आ बैठ, तुझे धर्मात्मा बना दे। हे महाराज जी, ये फांदेबाजी और ड्रामा हम भी बहुत कर चुके हैं। 17 घाट का पानी पी चुका हूँ, ज्यादा होशियारी नहीं है। कठोर इंसान, तेरा चेहरा जितना खूबसूरत है दिल उतना ही काला। बैठ। अरे बैठता हूँ, डांट क्यों रहा? हाथ निकाल। हाँ? देख ले हाथ तो क्या, पांव भी देख ले, कुछ मिलने वाला नहीं है। जन्म देने वाले ने सिर्फ पैदा करके छोड़ दिया है, तस्वीर साली लिखी नहीं। वाह 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 वाह। थैंक मत यार। सच, गुरुशनी से बचकर मंगल की तरफ जा रहा है। अब तू धनी बनेगा, बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। सरकारी आदमी तो कब से ऊपर पहुंचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन लगता है थोड़ा सा टाइम बाकी है। पर एक ग्रह में घोर अंधेरा है, पर हट सकता है। बिजली के चमकते ही अंधेरे छट जाएंगे और तेरे जीवन में उजाला हो जाएगा। उजाला हो जाएगा क्या मतलब? उजाला तो हो गया, मुझे तो सब दिखाई देने लगा है। सुन, एक लड़की है। अच्छा? बड़ी सुंदर है, जबान की बड़बड़ी है मगर दिल की भोली है। वो तुझे प्यार व्यार नहीं करती तो उसे मना ले पटा ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। नाम क्या उसका? बादलों के रथ पर सवार होकर आकाश में कड़की, धरती पर चमकी, नाम उसका बिजली रखा गया है। बिजली? छी, उससे कौन प्यार करेगा? काली कलूटी, बैंगन लूटी, लंबे दांत, मैं उसका क्या करूंगा? क्या कहा? और नहीं तो क्या महाराज, इतना सा कद, लंबी नाक, छोटा सर, बड़े कान, छोटा पांव, बड़े हाथ, उसका हाथ थाम कर मुझे मरना है क्या? मैं काली हूं, मैं गुन्नूटी हूं, लंबे हैं मेरे दांत। और नहीं तो क्या? बोल बोल, क्या कमी है मुझमें? अरे शुक्र कर कि तुझे पसंद किया है मैंने। यहाँ तो क्या, आजू बाजू के 40 गांव में भी चिराग लेकर ढूंढे ना, और मुझे ऐसी मिल जाए तो सारी जिंदगी गुलामी लिखवा दूं। अरे जा जा। अरे ये गोरा रंग देखा ना, 10 साल दिन रात साबुन से घस कर नहाएगा ना तो भी ये गोरा रंग नहीं मिलेगा, समझा? गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हो रूप मिट जाता है ये प्यार, ऐ दिलदार नहीं मिटता। ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा। ये दिल बेईमान मचल जाएगा, ओ गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो
तकरार यही छोड़ो। दूर ऐ मगरूर तो मानोगे इतना गुमान कर गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। इस आदमी को कहीं देखा है? ऐसा लगता है सर इसको कितने देखा है लेकिन कब याद नहीं आ रहा है। ठीक है दोबारा कहीं दिखाई दे तो पुलिस चौकी में खबर कर देना। चलो रखी थी कहीं और रखी होगी याद कर कहाँ रखी थी। नहीं यही रखी। सुन यहाँ रखते हो तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मास्टर जी। यहाँ है। आप किसे बोल रहे हैं? लेकिन मासी ये तेरे पास कहाँ से है? उड़ के चल भाग यहाँ से। क्या करेगा इसका? मैं क्या करूँ, मैंने सोचा ये हथकड़ी मुजरिमों का जेवर है, बच्चे इससे दूर ही रहे तो बेहतर है। तो फिर क्या तू इस जेवर को पहनेगा? कौन मैं? कैसी बातें कर रही है, कोई शरीफ आदमी हथकड़ी पहनता? हाँ तू मुझे घूर घूर के क्या देख रही है? तू मंगल तो नहीं? मंगल? कौन मंगल? मैं किसी मंगल मंगल को नहीं जानता। सच बता वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ और चिल्ला चिल्ला के सारे गाँव को इकट्ठा करूंगी और फिर तू भाग भी नहीं पाएगा। बोल तो वही खूनी मंगल है ना जिसके पीछे सारे गांव की पुलिस लगी हुई है? हाँ मैं वही मंगल हूँ। आज बिजली पर ही बिजली टूट पड़ी। चले जाए यहां से, निकल जाए यहां से, फिर कभी लौट कर इस काम में मत आना। मैं कहती हूँ निकल जाए यहां से। मगर बिजली अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। इतना तो ना मुजरिम जरूर हूं मैं, खून किया है मैंने, मगर तुझे तो कोई दुख नहीं पहुंचाया। ये तू सोचता है मंगल, आदमी के सीने में खंजर भोंकने से वो सिर्फ एक बार मरता है लेकिन जब किसी का दिल टूटता है ना तो उसे बार बार मरना पड़ता है, हर रोज मरना पड़ता है। जहां तूने इतने जुर्म किए एक और करते मेरे सीने में खंजर भोंकते। याद है मैंने तुझे उस दिन कहा था मैं एक आग हूं मुझसे मत खेल वरना तू जल जाएगी। ना जाने मैंने कितनी बार चाहा अपने बारे में तुझे सब कुछ सच सच बता दूं, मेरी पिछली गुनाह भरी जिंदगी मेरे आज और आने वाले कल को अपने आप में समेटना चाहती है। जानता मेरे जिंदगी का बचा हर दिन मेरे लिए मौत का नया पैगाम लेकर आता। किसी भी वक्त बंदूक से निकली हुई एक गोली जिस पर मेरा नाम लिख चुका आकर मेरे सीने से पार उतर जाएगी और मुझे इस गंदी और जलील जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देगी। अपनी तख्ती लिखने वाले ने भी ना जाने कौन सी मनुष्य घड़ी में लिखी थी। जो अपने थे
उसको तो मौत ने छीन लिया। जिंदगी में पहली बार किसी को अपना कर उसका हाथ थामना चाहा। तो उसका हाथ कानून ने पहले से ही पकड़ रखा। अच्छा हुआ वक्त आने से पहले ही मालूम हो गया, वरना शादी के बाद मेरी मांग में सिंदूर भरने के बजाय तू किसी का खून भर देता। बिजली, इंसान कभी पैदाशी मुजरिम नहीं होता, उसे वक्त और हालात मजबूर कर देते हैं। तूने उस दिन मुझे फरिश्ता कहा था, लेकिन आज वक्त ने करवट ली और मैं तुझे शैतान से भी बदतर नजर आ रहा हूं। बिजली, इंसान तो वही रहता, बस वक्त उसका रूप बदल देता। शक्ल से बात से किसी भी तरह तो खूनी नजर नहीं आता रे। फिर तूने, काश ना ये पेट होता, ना भूख लगती, ना मेरी कोई रोटी छीनने की कोशिश करता, ना मेरे हाथों में छुरी आती, ना किन हाथों से किसी का खून होता। मंगल की कहानी है, अगर तू चाहे तो इसे गिरफ्तार करवा दे। मैं तो तुझे रिहा कर दूंगी, लेकिन ये कमबख्त दिल तुझे कैसे रिहा करेगा? इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? लाला जी, आपको यह खबर देते ही मुझे दुख हो रहा है कि आपका बेटा श्रवण शायद इस दुनिया में नहीं रहा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सेठ जी ने भेजा है ताकि घबरा कर हम इस मकान को छोड़ दें, यही ना? भाई, अगर तुम चाहो तो ये घर ही क्या, हम सारा गांव छोड़कर चले जाते हैं, मगर एक बार ये कह दो कि ये सब झूठ है। काश ये सब झूठ होता लाला जी। मगर मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस तरह से उसे मार। ये सब हुआ कैसे? आपका बेटा जिस कंपार्टमेंट में सफर कर रहा था, जेल से भागा हुआ खूनी मंगल भी वहीं था। लगता है किसी बात पर इन दोनों में हाथापाई हुई और मंगल ने आपके बेटे को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। लाला जी, आप अपने बेटे के बारे में और कुछ बता सकते हैं? हम कुछ नहीं बता सकते भाई। उसका एक दोस्त यहां आया हुआ है, शायद वो कुछ बता सके। आप घबराइए मत, एक बार उस कमीने मंगल को मेरे हाथ लग जाने दीजिए, मैं उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा के ही रहूंगा। तुम दोनों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के लिए यहां लेकर आओगे। और सलीम, तुम पूछना कि मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? मास्टर जी, अगर वो कह दे मुझे फांसी मत दो तो? अरे लाले, भगत सिंह कोई मेरे जैसे चोर डाकू? अरे भगत सिंह कोई चोर डाकू थोड़ी था जो मौत से डर जाता, अरे वो तो आखिरी दम तक हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गया था। मास्टर जी, भगत सिंह जब इतना बहादुर था तो भाग क्यों नहीं गया फांसी के फंदे से? भाग क्यों नहीं गया? अबे आज तक कोई भाग सका है फांसी के फंदे से? क्यों मास्टर जी? भागने वाले भाग तो जाते हैं, लेकिन कब तक फांसी के फंदे से बचे रहेंगे ये मालूम नहीं। अच्छा, तुम लोग चलकर दिखाओ कि किस तरह फांसी के तख्ते पर आओगे। अरे देश भर ऐसे चलते हैं फांसी के तख्ते पर, तो फिर आप चल के दिखाइए ना मास्टर जी। पुलिस वाले तुम्हारे से मिलने आए हैं। आइए, बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे बच्चों को बताइए ना कि पुलिस वाले मुजरिमों को कैसे
सजा देते हैं। हमारा मास्टर तो बिल्कुल सीधा है, उसको क्या मालूम से कैसे फांसी दी जाती है। सुसला कभी खुद जाओ तम ना। आई आई कैसे मैं तो कहता हूँ कि मास्टरों को भी पुलिस की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि इन तुम भक्तों को ठीक कर सके। इंस्पेक्टर चाहे फांसी का कप्तान भी है और आप असली पुलिस भी है। मैं कहता हूँ हेडमास्टर साहब, लड़के तो शराब करती रहती है, आप मास्टर को भाई आप उधर से जाना चाहेंगे जिधर से मास्टर गया था, ये दूसरे रास्ते से। ओह दूसरे रास्ते आई ड्रामे तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। एक बार इसी तरह एक ससुर पहलवान ने मुझे स्टेशन नीचे दे मारा, बस उसके बाद ड्रामे व्लामे साफ खत्म। अरे हाँ देखे हमारे मास्टर जी का क्या हाल है। मास्टर जी आप सही सलामत तो हैं? मैंने कहा बाहर आइए, पुलिस आपसे श्रवण कुमार के बारे में पूछना चाहती है। अरे मियाँ देर मत लगाओ, कमर बाद में सीधी कर लेना वरना पुलिस सीधी कर देगी। हेडमास्टर साहब दरवाजा आपने बाहर से तो नहीं बंद कर दिया? अरे मियां बाहर से तो बंद नहीं है, तुम्हारा अंदर से तो खुला है ना। अंदर से तो दरवाजा खुला है, जरा जोर लगाइए। जोर? ये दरवाजा नहीं खुल रहा। अच्छा जरा जोर लगाइएगा। अरे मियां ये क्या? ड्रामे में जेलर का रोल कर रहा हूँ ना, इसलिए सोचा जब नीचे आ गया हूँ तो कपड़े पहन कर ऊपर जाऊँ। Yes, Inspector, what can I do for you? आप ही हैं मास्टर? जी हाँ। हमें शरण कुमार के बारे में पूछना है। मैं खुद आपसे पूछने वाला था, शरण कुमार कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? उसके माँ बाप और हम बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे हैं। जिस ट्रेन में वो सफर कर रहा था जब वो स्टेशन पर पहुंची तो वो कंपार्टमेंट में मौजूद नहीं था। कंपार्टमेंट में खून के निशान पाए गए और फिंगरप्रिंट्स के निशान से साफ जाहिर होता है कि शरण कुमार का झगड़ा उसी बदमाश मंगल के साथ हुआ था जो फांसी के तख्ते से भागा। नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि श्रवण कुमार मंगल को पहचान गया होगा, उसने उसे पकड़ने की कोशिश की होगी और इसका नतीजा यह निकला कि बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा और उसे मारने के बाद मंगल ने उसे ट्रेन से उठाकर बाहर दरिया में फेंका जिसे कछुए और मछुए खा गए, क्योंकि अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। क्या आप श्रवण कुमार के बारे में और कुछ बता सकते हैं? आप उसे आखिरी बार कब मिले थे? अरे खुदा के लिए कोई और सवाल मत पूछिएगा। देखते नहीं दोस्त की मौत की खबर सुनकर बेचारे की क्या हालत हो गई है। ओके हेडमास्टर साहब, इस वक्त मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन जब तक हमारी तहकीकात जारी है मास्टर जी आप यहाँ से कहीं मत जाइए, हो सकता है किसी वक्त हमें आपकी जरूरत पड़ जाए। चलिए आइए तशरीफ लाइए। श्रावण की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, अंतिम माँ बाप के बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे मुझे प्रायश्चित करना होगा, मुझे प्रायश्चित करना होगा। ये सब क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ?
आपका जहर मेरी रग रग में भर गया था, जिसे मैं अपने शरीर के जख्मों से निकालने की कोशिश कर रहा था। बिजली, मैं ही वो आदमी हूं जिसने इन अंधे माँ बाप से इनका सहारा छीना। मंगल, तूने? हाँ बिजली, मैंने। शाबाश, अब गिना तुमने अकलमंदी की बात। ये लो 10,000 रुपया। अगर हमारी बात पहले मान ली होती तो इतनी मुसीबत काहे को उठानी पड़ती है। मुसीबतें तो अब तकदीर बनकर रह गई हैं लाला, और हमारी तकदीर आंसू से लिखी हुई। मासी, तैयारी कर ले, कल ही हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पापा। अरे होश में आ गया बेटे? हाँ पापा, सही वक्त पे होश में आया हूं। लेकिन ये मकान क्यों छोड़ रहे हैं बाबा? ये पैसे कहां से लाया आप? मैंने ये मकान उस सेठ को बेच दिया। नहीं बाबा, ये मकान किसी भी हालत में नहीं बिकेगा। मैं इसे तोड़ के होटल नहीं बनने दूंगा बाबा। जाने दे बेटे, यहां अपने दुखी बर्दाश्त नहीं होते। सेठ के जुल्म कब तक सहते रहेंगे? देखो बेटा, ये जो पैसे हमें मिले हैं, इन्हें लेकर हम दोनों तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। मेरे श्रवण की भी यही इच्छा थी। हमेशा कहा करता था तुम दोनों को यात्रा पर ले जाऊंगा, मगर हमें यात्रा पर ले जाने की बजाय खुद यात्रा पर चले। एक बार वो कमीना मंगल मेरे सामने आ जाए तो मैं घोड़ियों से उसका सीना छलनी कर दूं। बाबा, ये लो बंदूक, चला गोली, तुम्हारे बेटे का कातिल तुम्हारे सामने खड़ा है। कहाँ है? बता। ये रहा आपके सामने। चला ये गोली, इससे आपके दिल को सुकून मिल जाएगा, और शायद इसी बहाने मुझे मौत। मैं जानता हूं तू ऐसा क्यों कह रहा है। तुझसे अपने दोस्त की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए तू हमें छोड़कर उसके पास जाना चाहता है। नहीं, भगवान ने एक बेटा छीनकर हमें दूसरा बेटा दिया, वो भी हमें छोड़कर जाना चाहता है। नहीं, 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 बेटा, नहीं। बाबा, मैं आपका बेटा हूं ना? आप मुझे अपना बेटा मानते हैं ना? हाँ बेटे। तो जाइए, ये पैसे वापस दे दीजिए सेठ को। अरे ये घर नहीं बिकेगा, मैं करवाऊंगा आपको यात्रा। तू इतने रुपए लाएगा कहां से? अरे चाहे मुझे मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, लेकिन यात्रा मैं करवाऊंगा। मैं करवाऊंगा, अपने पैसे से करवाऊंगा। पैसे से करवाऊंगा। ओ, नहीं आ रही। नहीं ना तुझे। नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी। तुम लोग चाहे मेरी जान भी ले लो, एक बार जिस गंदे काम को छोड़ दिया है उसे दोबारा हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे हराम खोरो, अगर इसे ये काम नहीं करना था तो किसी दूसरी को लेकर आते। अब शाम को सूरज सेठ के सामने तुम्हारा बाप घगरा पहन कर नाचेगा क्या? आए जाओ, किसी दूसरे को लेकर आओ। पर सेठ जी, बहुत दूर जाना होगा, आने जाने में ही दो दिन लग जाएगा। उल्लू के पट्टे, पहले नहीं सोचा था ये, अब कह रहे मुझसे क्या हक? मैं कुछ समझाता हूँ लौंडिया को। हमारी बात मान जा, हम तुझे खुश कर देंगे, दुगने दाम देंगे, दुगने। लाला जी, अगर इस वक्त आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप उसे उस गंदे रास्ते पे जाने के लिए मजबूर करते? नहीं बेटी। अरे देख, अगर मैं तुझे उस रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा तो सूरज से मुझे शमशान पहुंचा देगा। ए लाले जी जान, एक दिन तो सभी को वहीं जाना है। फर्क सिर्फ इतना है
किसी के जाने पर जमाना आंसू बहाता है और किसी के जाने पर लोग खुश होते हैं। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो बहुत है लाला, इतनी कि कोई भी माई का लाल मुझे कहीं भी जाने से रोक नहीं सकता। लेकिन आज आज मैं तुझे हिम्मत दिखाने नहीं, तुझसे भीख मांगने आया हूं। ये पैसे वापस ले ले, उस घर के कागजात दे दे, उन अंधे माँ बाप को घर से बेघर न कर लाला। हाँ हाँ, बेफजूल की बकवास बंद कर। वो अंधा अपनी मर्जी से घर बेच कर गया है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। तू जा और सामान बांधने में उनकी मदद कर, और याद रख कल शाम से पहले पहले वो घर खाली हो जाना चाहिए, समझा? इतना घमंड अच्छा नहीं है लाला, मैं एक नास्तिक हूं। ये सर कभी भगवान के सामने नहीं झुका, आज पहली बार तुम्हारे सामने झुक रहा है लाला। भैया नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने जिन घुंघरुओं को इन पांव से निकाल कर फेंक दिया था भैया, उन्हें ये लोग भेड़िया बनाकर फिर से पहनना चाहते हैं। लाला, ये जो कहते हैं इन्हें वापस कर दीजिए, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये गंदा काम तुम नहीं करोगी। आज मत रोको भैया, बहन समझ कर तुमने एक दिन लोगों के बीच इज्जत से मेरा सर ऊंचा किया था, आज मेरे ही सामने मेरे भाई का सर नीचा हो जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे ठीक ही तो कह रही है, कागजात सिर्फ एक शर्त पर वापस मिल सकते हैं। आज रात उसे नाचने की इजाजत दे दे, कल मैं इसी के हाथ भिजवा दूंगा। हाँ कह दो भैया। हाँ ये ले घुंघरू, और जल्दी तैयार हो जा, मेरा पार्टनर इंतजार कर रहा है। हाँ जल्दी, हाँ जल्दी। कौन है तुम? पहचाना नहीं, तुम्हारा भाई। लेकिन ये सब सुनो, अगर एक बहन अपने भाई के लिए इज्जत की बाजी लगा सकती है तो क्या भाई का कोई फर्ज नहीं? देखो नशीले पान है, उन्हें खिला देना, सुबह तक बैंक बचाएगा, और वैसे ही करना जैसे मैं कहूंगा। लेकिन मेरे साथ जो आए मंगल, उनका इंतजार मैं कर चुका हूँ। अरे कब तक इंतजार करवाओगे लाला? बुले बुला लो छमिया को। और जरी सा इंतजार करो पार्टनर, ऐसी बढ़िया बुलबुल आया हूँ कि एक एक अदा में दस दस बाटली का नशा है। बुलबुल आपकी खिदमत में हाथ। हाजिर है हुजूर। तुम कौन हो बड़े मियाँ? ये नाचीज आपके पाँव की धूल भी नहीं है, संगीत की दुनिया में लोग उसको सुरमा बना के आंखों में डालते हैं। इस बुलबुल के उस्ताद हम, ये हमारी शागिर्दा है। लेकिन बड़े मियाँ करते क्या? आपकी खिदमत हुजूर, अल्लाह मियाँ ने आज फिर मौका दिया है, अरे हुजूर हम सुर फेंकते हैं उस पर छिड़कती है। सुनो ये तबला पेटी कौन बजाएगा? अरे बजाने में तो हम बहुत उस्ताद हैं, ऐसा बजाएंगे कि आपकी मेरा मतलब है आप भी याद रखेंगे कि कोई बजाने वाला मिला था। उस लड़की को भी कुछ करने का मौका। मगर हुजूर आपके दरबार में इन पहलवानों का क्या काम, इन्हें दफा कीजिए ताकि हम अपना जलवा शुरू करें। ठीक है चलो जाओ सब लोग। अरे शुरू हो जाओ। मैं नहीं नाचूंगी। हाँ? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। इरादा बदल दिया है? क्या मतलब? बदले हुए इरादों को हम इस तरह बदलते हैं बुलबुल। नाच मेरे बुलबुल, नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। हे नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। घुंघरू बना के पाँव में बांध ले, फिर मेहरबान हमें ऐसा मिलेगा। नाच मेरे बुलबुल, ए नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा।
मौसम रंगीन है, आशिक शौकीन है। मौसम रंगीन है, आशिक शौकीन है, तो जो चाहे कर ले। मौका हसीन है, फिर कब नादान हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। कितना प्यासा है ये पैसे वाला, कितना प्यासा है ये पैसे वाला, तो इसको पिला दे तू ओ मस्ती का प्याला। कहीं अनजान हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। नाच मेरे बुलबुल, नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। अपनी तमन्ना है, अपनी तमन्ना है कितनी छोटी, दो हाथ कपड़ा दो वक्त रोटी। अपनी तमन्ना है, कहाँ पे मकान हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। ये निशान पैदाइशी है, बिल्कुल ऐसा ही निशान मेरी। लाला, बात नाचने तक हुई थी, ये नाच चुकी है। ठहरो ठहरो, चालाकी करने की कोशिश मत करना। इसमें कोई चालाकी नहीं है, मेरा दिल कह रहा है वही है। मैं अपनी बीवी को बुलाता हूँ, तुम जरा ठहरो, जरा ठहरो। क्या है भैया? मुझे लगता है अपने आदमी बुलाएगा, चल। देखो जी, ये देखो, ये देखो निशान, यही है हमारी। हाँ हाँ, यही है वो निशान, यही है। बताओ बेटी, तुम कौन हो? मैं एक लावारिस हूँ माँ जी। 4 साल की थी, कुंभ के मेले में मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए थे। हम ही है वो बदनसीब जिन्होंने तुझे खो दिया था। क्या हाँ मम्मी, आप ही मेरे माता पिता हैं। हाँ बेटा, हाँ 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 बेटा, हाँ मम्मी, माँ मेरी बच्ची। भैया कहाँ जा रहे हो तुम? जा रहा हूँ बहन, आया था कागजात चुराने। ये तो अपनी बहन का घर निकला, और बहन के घर भाई चोरी नहीं करता। ठहर जा, यही है ना वो कागजात जिन्हें तू लेने आया था। जिस बेटी को खोकर मैं शैतान बन गया था, आज वो शैतान इन कागजों के साथ जल गया है। मैं अनजाने में जो पाप करने चला था, उससे तूने मुझे बचा लिया है। बेटे, आज तूने एक नए इंसान को जन्म दिया है। जा उनसे कह दे, उनका घर नहीं गिरेगा, वहां होटल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मेरी तरफ से ये भेंट ले ले बच्चे। लाला,
भीख में अगर जिंदगी भी मिले तो ना लूं, ये तो फिर भी पैसे है। अरे ये भीख नहीं है, तूने हमारी बच्ची हमसे मिलवा दी है, ले 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 ले। बहन को घर पहुंचाने की कीमत नहीं होती लाला। ओ इन पैसों से अंधे माँ बाप को यात्रा करा देना, इसे बहाने हमारे पाप भी धुल जाएंगे। रुको। नमस्ते साहब, प्लीज स्कूल तक छोड़ देंगे, रास्ते में ही पड़ता है। बैठ जाओ, चलो। सुनो, इस आदमी को इधर कहीं देखा है? ये तो हमारे मास्टर जी है। मास्टर? इस वक्त स्कूल में होगा? जी नहीं, उन्होंने तो स्कूल छोड़ दी। कहाँ रहता है? क्यों साहब, क्या बात है? हमें उसकी तलाश है। जी हमें पता नहीं कहाँ रहते हैं। पुलिस अपने मास्टर जी को ढूंढ रही है। मास्टर जी को ढूंढ रही है, क्या बात है? मुझे मालूम, पुलिस मास्टर जी को पकड़ने आई। चलो मास्टर जी को। चलो। सलाम साहब, मंगल नाम कोई खूनी जो पंजाब जेल से भागा था, उसका कुछ पता चला? आपकी दुआ से उस मर्दूत को पकड़कर अंदर बंद कर रखा है साहब। व्हाट? हाँ साहब, आइए साहब, अब तो मेरी कुछ तरक्की होगी ना साहब। व्हाई नॉट श्योर, लेकिन है कहाँ वो? ये है मंगल सिंह। हमने बोला ना मंगल नहीं है, ये मंगल है। हाँ साहब। नॉनसेंस। सुनो, हम कितनी दफा बोला है हम मंगल नहीं है, हम अवतार कड़क सिंह है, लेकिन ये लोग सुनता नहीं है, ये लोग पागल हो गए, दीवाना हो गया है। इनको अंदर कीजिए, मुझको बाहर कीजिए, चाबी किधर है? चाप चाप। ये कैसे हो सकता है साहब, आपने जो पोस्टर भेजे थे उस पर तो इसी की तस्वीर थी। कहाँ है वो पोस्टर? वो देखो। ओ माय गॉड, ये भी उसी हरामजादे मंगल का काम है। तो इसे छोड़ दे साहब। नहीं, अभी इसे ही रहने दो। क्यों साहब? इसलिए कि ये पागल है और पुलिस इसकी तलाश में है। ये अपने आप को पुलिस कांस्टेबल समझता है और पागल खाने से किसी तरह पुलिस की वर्दी पहनकर भाग निकला है। वैसे बेचारा शेख खानदान से है। आओ मेरे साथ। जब गिदड़ की मौत आती है तो उसके पोस्टर छपते हैं। मेरे भी छप गए वो देखो, मेरे भी छप गए वो देखो, मेरे भी छप गए वो देखो, मेरे भी छप गए वो देखो। अब इस तरह बेटा, अब बिस्तर और पेटी रखवा लिया है ना? हाँ बाबा, ऊपर रखवा दिया। अच्छा, और वो खाने का डिब्बा ले लिया ना बेटे? खाने का डिब्बा? हाँ। वो तो घर पे रह गया माँ जी, मैं अभी लेके आता हूँ। जल्दी आना बेटे। ए बिजली, तू कहाँ जा रही? जहाँ तू जा रहा है। अरे मैं तो बाबा और माँ जी को यात्रा करवाने ले जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलूंगी, इसी बहाने थोड़े पाप तो धुल जाएंगे। तूने कौन से पाप किए रे? पापी का साथ देने वाला भी तो पापी होता है। अरे छोड़कर भाग तो नहीं रहा? टिफिन लेने जा रहा हूँ, जल्दी आना। चलो भाई चलो, बस छोटा टाइम हो गया, चल के उतर। चल। ए कंडक्टर, दो मिनट रुक जा, अपना मास्टर बाहर गया, बस आता ही होगा। कुड़िए मास्टर या विद्यार्थी, बस छुट्टन का टाइम हो गया, बस उन रुक नहीं सकती। चल पलवान चल। Oh,
चलती बस कितने चढ़ गए आगे बाबा। अरे मैं तो समझी थी कि तू गोल हो गया है। बिजली तूने दर्शन करा क्या? मैं यही इंतजार करता हूँ। क्यों तू नहीं आएगा बेटा? नहीं माँ मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। ठीक है तो है बाबा, अगर भगवान होता तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा होता बाबा। और उसके बाद मैं जो सीधा अरे भाई भूत नहीं श्रवण कहो, श्रवण वापस लौट आया हूँ। अरे हाँ ये तो अपनी श्रवण भी है श्रवण। अरे मास्टर जी, लेकिन मास्टर जी इतने दिन आप रहे कहाँ? मछेरों के पास जिन्होंने मुझे बचाया। कई रोज बेहोश रहने के बाद जब होश आया तब मालूम पड़ा, और जब चलने फिरने के लायक हो गया भैया तो यहाँ। अच्छा ये बताओ घर में मेरे माँ बाप तो ठीक है ना? मंगल सरोज साहब ने बुलाया। मंगल तुम लोगों के लिए मर चुका है। अब तक तो नहीं मरा, अगर चलने से इनकार करेगा तो जरूर मर जाएगा। आइए आदाब है सर उस्ताद जी, पान का शौक फरमाएंगे? बहुत जालिम पान बनाते हैं आप। लीजिए लीजिए। सर मुझे मालूम नहीं था कि वो आपका पार्टनर है। श्योर मालूम नहीं था? उससे धोखा करता है, जी चाहता है तेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, पर मालूम नहीं तो उससे क्या प्यार है। चल लाभ चल हमारे साथ। नहीं मैंने आपसे उसी दिन कहा था मैं इन गंदे काम को छोड़ देना चाहता हूँ। इसीलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आप यहाँ हैं? और हम भी कितने बेवकूफ हैं, हम सोच रहे थे हमारा मंगल भूखा प्यासा ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा, इसीलिए तेलिए रोटियां लाए, पहचानता है ना? खा खा खा। नहीं ये रोटी जुल्म की चक्की में गरीबों की खटिया पीस पीस कर बनाई गई है, मुझे नहीं चाहिए। रोटी रोटी होती है। रोटी रोटी में भी फर्क होता है मेरे दोस्त। एक रोटी वो होती है जो छीन के खाई जाती है, जिसमें किसी के खून की बू आती है, लेकिन मुझे वो रोटी चाहिए जिसमें किसी के खून की बू नहीं बल्कि मेरे पसीने की महक आती हो। मुझे भाषण सुनने की आदत नहीं है मंगल, चल। सर मुझे नंदे माँ बाप की यात्रा पूरी कराने दो। उनकी यात्रा पूरी होगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तूने हमारे साथ जाने से इनकार किया तो मैं तुझे शमशान यात्रा जरूर करवा दूंगा। मगर सर अगर तू है तो दिखा दे अपना चमत्कार, बचा ले मुझे इन जालिमों से। एक सिर्फ एक बार मुझे नंदे माँ बाप को यात्रा कराने दे, उसके बाद तू चाहे तो मेरी जान भी ले ले। Thank you.
अब हमारा जीवन सफल हो गया। इस तीर्थ यात्रा का फल हमें नहीं, हमारे बेटे रामू को मिलना चाहिए। हाँ प्रभु, हमारे बाकी की जिंदगी भी इसको दे दे, हमें अपने पास जल्दी बुला ले ताकि हम अपने श्रवण से मिल पाए। नहीं बाबा, बाबा, बाबा नहीं, बाबा, 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 बिजली तुम मुझे धर्मशाला लेकर चलो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। आपका जख्म तो बिल्कुल भर गया। ये जख्म तो भर गया है डॉक्टर साहब, लेकिन असली जख्म तब भरेगा जब मैं मंगल को दोबारा गिरफ्तार करके फांसी के तख्ते पर ले जाऊंगा। आपको कैसे यकीन है वो यहाँ आएगा? वो यहाँ जरूर आएगा। घबराने की कोई बात नहीं बेटा, इतनी ऊंचाई पर अक्सर बुजुर्गों को अस्थमा का अटैक हो जाता है। मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, आराम मिल जाए। सरस्वती भाई, एक सुबह एक शाम उसने हमारी प्रार्थना सुन ली, शर्मन को जिंदा सलामत हमारे पास भेज दिया। हाँ बेटे, ये सब तेरे ही कारण हुआ, तो इतनी तकलीफ उठाकर हमें यहाँ नहीं लाता तो हमें हमारा बेटा कैसे मिलता? तू हमेशा सुखी रहे, भगवान करे तुझे हमारी उम्र लग जाए। अरे बेटा, तुम बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों? बाबा, शायद इसे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं जिंदा वापस लौट आऊंगा। मुझे जिंदा देखकर आज ये खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा। मैं 15 रोज से तुम लोगों का यहां इंतजार कर रहा हूं। बद्रीनाथ की यात्रा आखिरी यात्रा होती है मेरे दोस्त। श्रावण, शायद तुझे यकीन नहीं आएगा, लेकिन सच मानो मेरे दोस्त, आज तुझे जिंदा देखकर मेरे दिल का बोझ कम हो गया रे। तुम्हारे दिल का बोझ कम हुआ है या नहीं, लेकिन मेरे शरीर का बोझ जरूर कम हो गया है। मारने वाले ने तो पूरी कोशिश की थी, शायद मेरी तकदीर में मौत नहीं लिखी थी, इसीलिए मच्छेरों ने बचा लिया। गुजरी हुई बातों को भूल जा श्रवण, भगवान ने तुम्हें मौत के मुंह से बचा लिया, ये क्या कम है? ये समझ लो, भगवान ने तुम्हें दूसरा जन्म दिया है। भगवान ने दूसरा जन्म सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं अपने दोस्त के जिन एहसानों तले दबा हूं उन्हें मैं पूरी तरह से चुका सकूं। चलो मेरे दोस्त, तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। नहीं श्रमिक, मैं भी। तुम नहीं, सिर्फ हम दोनों आओ। मगर बेटे, रोटी तो खाकर जा। नहीं माँ, अभी नहीं, हम लोग एक मुद्दत के बाद मिले हैं, जब तक गले मिलकर दिल की भड़ास नहीं निकाल लेते ना इसे भूख लगेगी और ना मैं खाना खा सकूंगा। यो दोस्त, चले। बेटा,
जल्दी वापस आना। मैं तुझसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगता, तुझे बदला लेने का पूरा हक है। लेकिन श्रावण, जब तुमने गाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींचनी चाहिए तो मुझे ऐसे लगा जैसे तुम वो फांसी का फंदा जिससे बचकर मैं भाग रहा था दोबारा खींच कर मेरे गले में डालना चाहते, और उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं नहीं जानता था कि तुम एक ऐसे माँ बाप का सहारा हो, चंदे हैं, लाचार हैं, जिनका दुनिया में तेरे सिवाय और कोई नहीं है। उठा श्रावण, उठा ये बंदूक और दाग दे ये गोलियां मेरे सीने में, ताकि मैं तेरे हाथों से मुक्ति पा सकूं। मंगल, वो पहाड़ी देख रहे हो? पहाड़ी के उस पार सरहद है, सरहद पार कर जाओ, कानून का हाथ तुम तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। तुम मुझे छोड़ रहे हो? मानना नहीं? नहीं, लेकिन जब गांव से आया था तो इसी इरादे से आया था। यहां आकर जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे माँ बाप की जो तुमने सेवा की है, जिन जिन मौकों पर तुमने उनकी जान बचाई है, उसके बदले में एक पैर तो क्या, दोनों पैर कट जाते तो भी मैं तुम्हें माफ कर देता। पुलिस बहुत करीब पहुंच चुकी है, इससे पहले कि वो तुम्हें गिरफ्तार कर ले तुम यहां से भाग जाओ। और अगर पुलिस यहां पहुंच गई तो मैं उन्हें इस बंदूक से रोकूंगा। नहीं मेरे दोस्त, कानून के खिलाफ चलाई तेरी एक गोली मुझ जैसा एक और मंगल पैदा कर देगी। जिंदगी भर मैं अपनी लड़ाई अकेला लड़ता आया हूं, आज भी अकेला ही लड़ूंगा। सुनो, ये काम आएंगी, लो। श्रावण, मेरी असलियत मां और बाबा को मत बताना, वरना वो प्यार जो मैंने पाया कहीं नफरत में ना बदल जाए। वो सब जानते हैं मंगल, वो आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना कल करते थे। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि ऐसे देवताओं के घर में तुमने जन्म लिया है। अगर जिंदा रहा तो उनसे कहना फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, अब अकेले ही छोड़कर भाग रहा है। बिजली, तू जा, तू वापस चली जा। कहाँ जाऊँ? मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तू मेरे साथ कहाँ जाएगी? मैं तो मौत के मुंह में जा रहा हूँ। पारे, तूने बिजली को डरपोक समझा है क्या रे? मैं कोई तेरा साया नहीं हूँ जो उजाले में तेरा साथ दूं और अंधेरे में गायब हो जाऊं। अरे जब तू ही नहीं रहेगा तो मैं रहकर क्या करूंगी। चल लोग जो छोटे मुजरिमों को सहारा देकर बड़ा मुजरिम बनाते हैं। इनकी छत्रछाया में न जाने मुझ जैसे कई मंगल पैदा होते और पलते हैं। चल बिजली। मंगल,
ये क्या हो गया? मुस्तिल मर्द हो गया, औरत के साथ भाग रहा था। तुम कौन से बहादुर हो जो एक मर्द हो के औरत पे गोली चलाते हो? हम जानते थे मंगल, जब तक ये औरत तेरे साथ है तू लौट कर हमारे पास नहीं आएगा। मैं इस लायक नहीं कि तेरे साथ भाग सकूं। बिजली ये बंदूक मुझे दे दे, मैं कुत्ता को रोकती हूँ। बस तू सरहद पार कर ले। नहीं बिजली नहीं, पार करेंगे तो साथ में, चाहे ये सरहद हो चाहे वो सरहद हो। सोचता क्या है मंगल, फेंक दे वो बंदूक और लौट आ हमारे पास। बिजली सुना है बर्फ के पहाड़ गोलियों की आवाज से टूट टूट के गिरने लगते हैं। मैं तुझे आखिरी बार कहता हूं मंगल। चलो बॉस, इतनी जल्दी भी क्या है? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। Thank you.
जल्दी बिजली, जल्दी मत कर, जल्दी मत करे। चाची में जाएंगे ना फिर। आज कौन सवार है? मंगल, आज मंगलवार है। बस तो फिर आज मंगल अपनी मौत को गले लगा कर आएगा। नहीं। कहती थी ना दुल्हन बनते वक्त मैं तेरी मांग में किसी और का खून पड़ दूंगा। किसी और का नहीं रे, मैंने अपने खून से तेरी मांग भर दी है। हाँ बिजली, हाँ बिजली, नहीं छोड़ गई ना साथ, चली गई ना अकेली, चली गई ना। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, दुनिया में कोई ऐसा फंदा नहीं बना जो मंगल की गर्दन में फिट हो सके। इंस्पेक्टर साहब, ये रही गोलियां। तो क्या तुमने खाली बंदूक नहीं उठाई थी? चाहता तो गोलियां मैं भी चला सकता था, मगर इन कंधों पर गुनाह का बोझ इतना बढ़ गया है कि इस लंबे सफर में और बोझ नहीं उठाया जाता मुझसे। ज्यादा दूर मत जा पिछली, मैं भी आ रहा हूं। मंगल, मंगल कहां है तू? मंगल कहां है? मंगल, मंगल, मंगल बेटे कहां हो? कहां बेटे? बिजली, बिजली, नहीं, माँ, नहीं बिजली, माँ, मेरे सफर के लिए रोटी लाई है ना? जिंदगी भर इसी के पीछे तो भागता रहो, पता नहीं वहां भी जाके मिलेगी कि नहीं। अच्छा नहीं कहते, पापा, मैं वहां जाऊंगा, वो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा और उसे कहूंगा देख। इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता तो उसे भूख मत दे, उसे भूख देता तो दो वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है।